नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मनोज कुमार है और आपका स्वागत करता हूं आपके अपने इंग्लिश चैनल इंग्लिश मोनोशर में, जहां पे हम इंग्लिश के चैप्टर्स, इंग्लिश के जो ग्रामेटिकल टर्म्स होती हैं उनका सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है, हम लोगों ने ओड ऑन एग्रेशन वन के स्टेंजा नंबर फर्स्ट और सेकेंड को कम्प्लीट कर लिया था। आज हम स्टेंजा नंबर थ्री को कम्प्लीट करने जा रहे हैं, जो कि लिखी गई है जॉन किट्स के द्वारा। स्टेंजा नंबर फर्स्ट और सेकेंड में हमने पढ़ा था कि एक अर्न है जिसपे ये जॉन किट्स साहब जो हैं वो कुछ बोल रहे हैं, बता रहे हैं उसके बारे में। अर्न जो है उसको उन्होंने एक शांति की दुल्हन बताया था। अर्न के ऊपर अंकित जो औरतें हैं जो कि अनिच्छुक हैं, उनका पीछा किया जा रहा है उनके प्रेमियों के द्वारा, और ये भी बताया गया है कि ये इंसान है, भगवान है, पता नहीं है। और फिर उनके ऊपर जो बेल बूटे, जो जड़ी बूटियाँ बनी हुई हैं, जो घास फूस बना हुआ, उनके बारे में बताया गया था। ठीक है, और फिर ये बताया गया था कि वो जो प्रेमी हैं वो हमेशा ही जीवित रहेंगे और वो अपनी प्रेमिका का कभी किसी नहीं ले पाएंगे, एक और वो हमेशा ही उनका प्यार जो है वो अमर रहेगा। एक ये भी बताया गया था, एक लड़का, जवान लड़का जो पेड़ के नीचे बैठा है, उसके गीत, वो गीत गा रहा है, उसके गीत कभी भी मतलब उसको अलविदा नहीं कह पाएंगे क्योंकि वो तो अंकित है उस पर, अन पे। इसके अलावा ये भी बताया गया था कि पेड़ जो हैं वो अपनी पत्तियाँ कभी नहीं गिरा पाएंगे, वो हमेशा ही हरे भरे रहेंगे। ठीक है, अब हम आगे पढ़ते हैं। हैप्पी हैप्पी बॉज, उन टहनियों की बात हो रही है जो अपनी पत्तियां कभी नहीं गिराएंगी। हाँ, पीछे हमने पढ़ा है, आप अभी दोबारा इनका जिक्र किया गया है कि वो जो टहनियां हैं वो बहुत खुश हैं, बहुत ही ज्यादा खुश हैं। दैट कैन नॉट शेड योर लीव्स, क्योंकि वो तुम ना, उन टहनियों को संबोधित कर रहा है कि तुम कभी भी अपनी पत्तियां नहीं गिरा पाओगे, इसलिए वो टहनियां बहुत ज्यादा खुश हैं। Nor ever wait the spring adieu, और ना ही कभी भी स्प्रिंग जो है वो तुम्हें जाने का आदेश दे सकती है। ठीक है, अलविदा, एड्यू का मतलब अलविदा और बिड का मतलब आदेश, इसका मतलब स्प्रिंग जो है वो तुम्हें कभी भी जाने का आदेश नहीं दे सकती। एंड हैप्पी मेलोडीज अनवियर्ड, और जो खुशी भरे जो गीत हैं, मेलोडीज हैं, वो हमेशा ही बिना थकावट वाले रहेंगे, मतलब उनसे कभी थकान नहीं आएगी, क्योंकि वो हमारे सेंसुअल ईयर के लिए नहीं है। हमने पीछे पढ़ा ना, वो हमारे फिजिकल ईयर यानी सेंसुअल ईयर के लिए नहीं है, है ना, वो तो हमारी अंतरात्मा के लिए है, एडिंग के लिए। ठीक है, फॉर एवर पाइपिंग सॉन्ग्स फॉर एवर न्यू, और ये जो गीत बज रहे हैं ना, ये जो बांसुरियाँ बज रही हैं, ये जो गीत बज रहे हैं, वो हमेशा ही नए रहेंगे, कभी भी ये पुराने नहीं होंगे। पुराने नहीं होंगे का मतलब ये है कि जैसे आज कोई गीत आ गया तो वो आज के 15 साल बाद में पुराना हो जाता है, 1 साल बाद में पुराना हो जाता है, नए आ जाते हैं। यहाँ पर तो वो गीत जो हैं वो वही रहेंगे, और नहीं आने वाले तो वो पुराने नहीं होने वाले, मतलब वो गीत हैं हमेशा नए रहेंगे। ठीक है, मोर हैप्पी लव, प्यार जो है वो ज़्यादा खुश रहेगा, मोर हैप्पी और ज़्यादा खुश रहेगा, और हैप्पी हमेशा ही वो खुश रहेगा। ठीक है, फॉर एवर वार्म, वो हमेशा ही गर्म जोशी से भरा रहेगा, उसकी जो मान लीजिए जो छटा है वो कभी कम नहीं होगी, प्यार जो है उसको कभी भी आप ये नहीं, ये कहेंगे कि वो कभी भी धीमा नहीं होगा, वो जैसा है वैसा ही चलता जाएगा। एंड स्टिल टू बी इंजॉयड, अब वो गर्मजोशी से भरा हुआ होगा और हमेशा ही वो क्या होगा, इंजॉयबल होगा, और अभी भी है इंजॉयबल, वो पहले था, अभी है, और आगे भी वो इंजॉयबल ही रहेगा। ठीक, फॉर एवर पेंटिंग एंड फॉर एवर यंग, उनके दिल जो है वो हमेशा धड़कते रहेंगे, प्रेमियों के दिल जो है वो हमेशा धड़कते रहेंगे, उनका प्यार जवान रहेगा, कभी भी वो खत्म नहीं होगा, उनके दिल धड़कते रहेंगे, और फॉर एवर यंग, और वो हमेशा ही जवान रहेंगे, कभी भी वो बूढ़े नहीं होंगे। ऑल ब्रीदिंग ह्यूमन्स पैशन,
फार अबव है। जितने भी सांस लेने वाले प्राणी हैं उनका जुनून जो है ना, उनका जो प्यार है वो इनसे फार अबव है, बहुत दूर है। अर्ण पे अंकित जो लोग हैं उनका जो प्यार है वो जीवित प्राणियों के प्यार से उसकी तुलना की जा रही है। और ये बताया जा रहा है कि जीवित प्राणियों का जो प्यार है, ब्रीथिंग ह्यूमंस का जो पैशन है, जो जुनून है, वो इस अर्ण पे अंकित जो प्रेमी है उनसे बहुत दूर है, बहुत फार अबव है। ठीक है, दैट लीव्स ए हार्ट हाई सोरोफुल एंड क्लॉइड। और ये जो अभी ये जो दो लाइन है ना, ये ब्रीथिंग ह्यूमंस पे बेस्ड है कि उनका जो उनके प्यार की बात हो रही है कि उनका प्यार जो है ना वो उन्हें छोड़ देता है एक बहुत ही गहरे हृदय के गहरे दुख में। हार्ट हृदय हाई गहरा और सौरवपुल यानी दुख, बहुत ही उनका प्यार, किनका प्यार, जीवित प्राणियों का प्यार जो है ना वो उन लोगों को जब उनको छोड़ के चला जाता ना तब की बातें हैं। देखिए जीवित प्राणी है, ऐसा तो है नहीं कि दो प्राणी हैं, दो मनुष्य हैं, दोनों आपस में प्यार करते हैं तो वो दोनों एक साथ चले जाएंगे इस दुनिया को छोड़कर, नहीं, ऐसा कभी नहीं होता है। ठीक है, तो वो बोल रहा है कि उनका प्यार जब चला जाता है तो वो उनको किस में छोड़ देता है, बहुत ही गहरे हृदय के दुख में छोड़ देता है। एंड क्लॉइड, और वो उगता जाते हैं इस धरती पर अकेले, फिर वो अपने बिना प्रेमी के बिना वो बहुत ही क्लॉइड यानी उगता जाते हैं। ए बर्निंग फोरहेड, और उनका सर जो है वो हमेशा ही जलता रहता है, दर्द करता रहता है इस दुख में कि भाई मेरा प्रेमी तो मुझे छोड़ के चला गया है। ठीक है, एंड ए पार्टिंग टंग, और उनकी जीभ जो है ना वो सूख जाती है बार बार अपने प्रेमी को याद करके। ठीक है, तो ये था स्टेंजा नंबर 3। स्टेंजा नंबर 4 में मिलते हैं, तब तक नमस्कार।